100 तरह के वोकल मिक्सिंग प्लगइन्स ट्राई कर चुके हो, फिर भी वो प्रोफेशनल सा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जो तुम्हारी गलती है उसका जवाब इसी क्वेश्चन में था। 100 तरह के वोकल मिक्सिंग प्लगइन्स ट्राई कर चुके हो, फिर भी वो प्रोफेशनल सा रिजल्ट नहीं मिल रहा। ऐसा हो सकता है कि एज अ बिगनर तुमने सर्च किया हो कि हाउ टू एडिट वोकल्स और तुम्हारे सामने बहुत सारी वोकल मिक्सिंग की वीडियोस आ गई हों। बट प्रोडक्शन और मिक्सिंग के बीच में एक स्टेज होता है एडिटिंग। एडिटिंग में हम ट्यूनिंग करते हैं, टाइम करेक्शन करते हैं और सारी अनवांटेड चीज़ों को हटाते हैं, थोड़ी काट पीट करके और मेनली ऑटोमेशन से। सबसे पहले सारे प्रोमिनेंट से जो भी गैप्स हैं या फिर टेल्स हैं उनको हम कट करेंगे। बट इससे पहले मेक श्योर कि तुम अपने वेवफॉर्म्स का साइज बढ़ा लो, जिससे कोई यूजफुल पार्ट कट ना हो जाए। और एक स्लाइड सा फेड हमेशा ऐड कर दो टू अवॉइड एनी क्लिक्स और पॉप्स। लकीली मेरे सामने आज तक इतने खराब वोकल्स नहीं आए कि मेरे को एक एक नोट मैनुअली ट्यून करना पड़े। तो अगर तुम्हारे पास जो वोकल्स है वो बहुत ही ज्यादा खराब है तो उसको हमेशा पहले मैनुअली ट्यून करो और फिर उसके बाद ऑटो ट्यून लगाओ। बट अगर डिसेंट या अच्छे वोकल्स है तो मेरा वर्क फ्लो फॉलो कर सकते हो। पहले ऑटो ट्यून डालो, उसके बाद अपने वोकल्स को स्टार्ट टू एंड तक सुनो और चेक करो कि ऑटो ट्यून ने सब कुछ सही कर दिया कि नहीं। अगर ऑटो ट्यून ने सब कुछ सही कर दिया तो ग्रेट, तुम्हें बिल्कुल मैनुअल ट्यूनिंग करने की जरूरत नहीं है। बट अगर कुछ नोट सही नहीं साउंड कर रहे ऑटो ट्यून डालने के बाद भी, तो एक मैनुअल ट्यूनिंग प्लगइन लो, उसको अपने ऑटो ट्यून के ऊपर डालो अपनी वोकल चेन में और उसके बाद जो भी नोट्स तुम्हें उसमें खराब लग रहे हैं उसको मैनुअली करेक्ट कर दो। इस वीडियो में हम लोग इन डेप्थ ऐसे मैनुअल ट्यूनिंग सीखने तो नहीं वाले हैं, बट अगर तुम्हें सीखनी है तो यूट्यूब पे ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस हैं। बट अगर फिर भी तुम्हें मेरे स्टाइल में सीखना है तो कॉमेंट कर सकते हो। और अगर कॉमेंट कर ही रहे हो तो इन वोकल्स में टाइम करेक्शन की नीड तो नहीं है, बट अगर तुम्हारे वोकल्स में है तो चिंता मत करो, टाइम करेक्शन बहुत आसान है। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम्हें जो भी पार्ट को टाइम पे लाना है उसको कट करो और मूव करके टाइम पे ले आओ। या फिर अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई पार्ट को थोड़ा सा और लंबा करना है या फिर थोड़ा सा छोटा करना है, कोई वर्ड को थोड़ा लंबा करना है या छोटा करना है, तो उसको सेपरेटली कट करके थोड़ा सा टाइम स्ट्रेच का यूज करके उसको थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हो या फिर थोड़ा सा श्रिंक भी कर सकते हो। मेक श्योर कि ज्यादा स्ट्रेच या फिर श्रिंक नहीं कर रहे हो, वरना वो आर्टिफिशियल सा साउंड करेगा। ऑटोमेशन प्रोसेस से पहले एक EQ लोड कर लो, जिससे एक बेसिक लो कट से थोड़ी सी रंबल कट कर दो। ऑटोमेशन से हम 3 चीजें फिक्स करेंगे। अगर तुम्हारे वोकल्स में इस टाइप की पीक्स है तो उनको ऑटोमेट करके थोड़ा सा डाउन कर दो। ऐसी पीक्स को कंप्रेशन की जगह ऑटोमेशन से कंट्रोल करना इज ऑलवेज बेटर। ब्रेथ्स को कंट्रोल करने के लिए तुम ऑटोमेशन का यूज कर सकते हो या फिर ब्रेथ्स को सेपरेटली कट करके उनका वॉल्यूम थोड़ा सा डिप कर सकते हो। पर्सनली मुझे ब्रेथ्स को कम्प्लीटली हटाना नहीं पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है वो सॉन्ग में थोड़ी सी फील ऐड करते हैं और रियलिज्म ऐड करते हैं। बट हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हें हर सॉन्ग में ब्रेथ्स रखनी है। और अगर एक पर्टिकुलर सॉन्ग भी है उसमें कुछ ब्रेथ अच्छी साउंड नहीं करी तो उनको रिमूव कर सकते हो। बट अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई ब्रेथ है जो तुम्हें चाहिए सॉन्ग में, बट उसका जो साउंड है एक तरह से जो ब्रेथ है वो पर्टिकुलर वो इतनी अच्छी साउंड नहीं कर रही है, तो उस ब्रेथ को डिलीट करो और अपने सॉन्ग में से, अपने वोकल्स में से कोई भी दूसरी ब्रेथ उठा के वहाँ पे बीच में डाल दो, वो अच्छी साउंड करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पूरे ऑटोमेशन प्रोसेस का वो है सिबिलेंट साउंड्स को कम करना और शार्प से जो ट्रांजिएंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा कम करना। पर इस सबको ऑटोमेट करने से पहले सबसे पहले अपने वोकल्स को रफली कंप्रेस कर लो, जिससे जो भी ये सारे सिबिलेंट साउंड्स और जो शार्प ट्रांजिएंट्स हैं ये थोड़े से ज्यादा हाईलाइट हो जाएंगे। उसके बाद एक DSR ऐड करो, जिससे तुम अपने एसएस को थोड़ा सा कंट्रोल करोगे। और DSR के बाद भी तुम्हें जो भी सिबिलेंट साउंड्स थोड़े से ज्यादा शार्प लगते हैं या फिर शार्प ट्रांजिएंट्स लगते हैं उनको ऑटोमेशन से डिप कर सकते हो। तेरे अलावा कोई भी ख्वाहिश नहीं है बाकी दिल में, कदम उठाऊं जहां भी जाऊं, तुझी से जाऊं मिल मैं तेरे लिए। तेरे अलावा कोई भी ख्वाहिश नहीं है बाकी दिल में, कदम उठाऊं जहां भी जाऊं, तुझी से जाऊं मिल मैं तेरे लिए। अगर इस वीडियो से तुम्हारी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो